करने लगे जी, बात करें अगर बाकी कृषि फसलों की, तो बाकी और कौन सी कृषि फसल है जिसमें आज आपको मंदी तेजी की संभावना नजर आ रही है? देखिए, हल्दी के ऊपर मैंने कुछ दो तीन चार प्रोग्राम से पहले कहा था कि हल्दी में मुझे तेजी नजर आ रही है, और हल्दी जो एक ऐसी महत्वपूर्ण है कि जो मसालों के अंदर सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता भी होती है, विशेषकर जब महामारी ओमिक्रॉन जैसी बात कर रहे हैं, ओमिक्रॉन जैसी बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो एंटी जो प्रतिरोधक क्षमता वाली जो जो मसाला है उसके अंदर हल्दी प्रमुख है। मुझे लगता है कि हल्दी के जो फसलें हैं उसके इस वक्त भी अलग अलग विशेषज्ञ, अलग अलग एसोसिएशन और अलग अलग आंकड़े मिल रहे हैं, लेकिन कुल मिला के मुझे हल्दी के अंदर कोई बड़ी कमजोरी, बहुत बड़ी कमजोरी नजर नहीं आ रही है। हल्दी के अंदर मुझे तेजी नजर आती है और इसके अंदर खरीद के चला जा सकता है, इसके अंदर आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं टर्मरिक के अंदर। जी जी, यानी कि हल्दी में उन्हें कर्नल अजय जी को ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि हमने क्रॉप भी डैमेजेस काफ़ी होते हुए देखी हैं, और आगे भी कर्नल अजय जी के मुताबिक हल्दी में खरीद के चला जा सकता है। से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।